ब्रह्मोस पर भारत के दोस्त रूस ने ऐसा क्या खुलासा कर डाला कि चीन की पूरी सेना थर थर कांपने लगी, डरने लगे जिनपिंग। ब्रह्मोस की ऐसी कौन सी नई ताकत पर रूस ने कर दिया दावा कि चीन के सारे हथियार आ गए भारत के एक ही हथियार के रडार पर। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत के पास ब्रह्मोस नाम का ब्रह्मास्त्र मौजूद है, जो एक बार दुश्मन की तरफ निकला तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि इस ब्रह्मोस के वार को 20 रास्ते में ही काट दे। दुश्मन देश फिर चाहे चीन हो, अमेरिका हो या फिर कोई और देश, ब्रह्मोस को अगर कोई देश रोक सकता है तो वो खुद भारत है। भारत ही ब्रह्मोस की दिशा पलट कर उसे टारगेट से हटा सकता है, वरना दुश्मन तो गया समझो। दोस्तों, ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है, यानी देख नहीं सकता है। यानी कि अगर एक बार ब्रह्मोस दुश्मन को तबाह करने के लिए निकल पड़ी तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी मिल जाती है। चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से कितना डरता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जिनपिंग ने ब्रह्मोस की जासूसी करने के लिए एक टीम का गठन किया है जिसे स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर का नाम दिया गया है। जिनपिंग की इसी जासूसी टीम ने पिछले दिनों बीजिंग में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि भारत के पास छोटी बड़ी कुल मिलाकर 80,000 से अधिक मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन चीन को ब्रह्मोस से सावधान रहने की जरूरत है। भारत ब्रह्मोस की ताकत को जिस तरह से बढ़ा रहा है ये चीन के लिए काफी टेंशन वाली बात है। और अब दोस्तों, रूस ने ब्रह्मोस को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है कि चीन के कानों से धुआं निकलने लगा है। ब्रह्मोस के बुल्स आई पावर पर रूस ने कर डाला ऐसा खुलासा कि डर के मारे चीन के फूल गए हाथ पांव, चीनी नेवी खौफ में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ब्रह्मोस को बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा खुलासा किया गया था कि अगर ब्रह्मोस को फायर किया गया तो चीन द्वारा तैनात किया गया कोई भी डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अब रूस के रक्षा वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसने चीन के अंदर घबराहट पैदा कर दी है। चीन ये बात तो जानता था कि ब्रह्मोस मिसाइल खतरनाक है, लेकिन चीन को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मोस मिसाइल उसकी उम्मीद से भी 1000 गुना अधिक ताकतवर हो सकती है। दरअसल दोस्तों, रूसी रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल बुल्स आई टारगेट पर निशाना लगाने के मामले में दुनिया की सभी क्रूज मिसाइलों से आगे निकल चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुल्स आई टारगेट पर निशाना लगाने का मतलब ये होता है कि दिए गए टारगेट के बीचों बीच निशाना लगाना, यानी कि न दाएं न बाएं, जो टारगेट निर्धारित किया गया है और उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में परफेक्ट निशाना लगाना ही बुल्स आई टारगेट पर निशाना लगाना कहा जाता है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल बन चुकी है जो लक्ष्य के एकदम बीचों बीच निशाना लगाने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के बचने की गारंटी तो छोड़ो, वारंटी भी नहीं मिलेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि दुश्मन को कुछ फीसदी का ही नुकसान हो, दुश्मन को 100% नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, रूसी रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मोस को लेकर कही गई बातें कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों में भारत के नए डिस्ट्रॉयर यानी कि नए युद्धपोत से जितने भी ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की गई हैं उनको देखकर ही रूसी रक्षा वैज्ञानिक हैरान है, क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी सटीक हो सकती है। दोस्तों, पिछले 2 सालों में जितने भी परीक्षण किए गए हैं, हर एक परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल ने बुल्स आई टारगेट को हिट किया है, यानी कि परफेक्ट निशाना लगाया है। दोस्तों, रूसी रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस दावे ने जिनपिंग की रातों की नींद छीन ली है, क्योंकि अगर युद्ध के दौरान चीन का कोई भी युद्धपोत ब्रह्मोस के टारगेट पर आ गया, उसके बाद उस युद्धपोत का बच पाना नामुमकिन होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीन अपने नौसैनिक दम पर सुपर पावर बनना चाहता है। यही कारण है कि चीन अपने नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चीनी नौसेना के रास्ते का रोड़ा बन चुकी है। चीन कितना भी युद्धपोत बना ले, कितनी भी पनडुब्बियां तैयार कर ले और कितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले, भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के एक युद्धपोत के बराबर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक डिस्ट्रॉयर की कीमत 3,000 करोड़ रुपए होती है, जबकि ब्रह्मोस के एक यूनिट की कॉस्ट 10 करोड़ के आसपास है। यानी कि भारत अगर चाहे तो 10 करोड़ रुपए खर्च करके चीन के 1,000 करोड़ रुपए को पानी में मिला सकता है, क्योंकि भारत के पास ब्रह्मोस नाम का अजय योद्धा जो मौजूद है।
अगर बात की जाए ब्रह्मोस की ताकत की तो भारत के पास ब्रह्मोस के कई सारे वेरिएंट मौजूद हैं। ये मिसाइल हवा, जमीन और युद्धपोत तीनों से लॉन्च हो सकती है, यानी भारत कहीं से भी इसे फायर कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में आसानी से रास्ता बदल सकती है, यानी कि चलते फिरते टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। यह जमीन से मात्र 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, यानी कि अगर भारत ने इस मिसाइल से चीनी युद्धपोतों को टारगेट किया तो चीन द्वारा तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस मिसाइल की पिन पॉइंट सटीकता इसे और भी अधिक घातक बना देती है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिकी मिसाइल टॉम हॉक की तुलना में दुगुनी रफ्तार से हमला करती है, जो कुछ ही सेकंड में 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा कर देती है। यानी कि बड़े बड़े टारगेट को ये मिसाइल आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। युद्धपोत से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉर हेड को लेकर जा सकती है, जो 3.5 मैक की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। यानी कि अगर चीनी युद्धपोतों ने हिंद महासागर में दादागिरी दिखाई तो ब्रह्मोस मिसाइल समंदर में चीनी पोतों को डुबोने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। भारत रेडी कर रहा है ब्रह्मोस से भी खतरनाक ब्रह्मोस 2। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहे हैं। इसकी स्पीड और सटीकता सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जानकारी मिली है कि इसमें रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मिसाइल 8 मैक यानी 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगी, यानी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। दुश्मनों को इस मिसाइल से नेस्तनाबूद करने में भारत को सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। भारत की ब्रह्मोस 2 लैंड अटैक और सतह से सतह पर मार करने वाली एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इस मिसाइल को युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। इस मिसाइल की स्पीड इतनी अधिक होगी कि दुश्मन को हमला होने के कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि उसके ऊपर किसी ने मिसाइल हमला किया है। दोस्तों, अंदाजा लगा लीजिए कि चीन ब्रह्मोस का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगता है। चीन के पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है, जबकि इसकी स्पीड केवल 4 मैक है। तो ब्रह्मोस 2 के आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मोस 2 की रफ्तार इससे दोगुनी यानी 8 मैक के आसपास होगी। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक एक और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक सतह से हवा में मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और दूसरी हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसे भारत के वर्तमान और भविष्य के लड़ाकू विमानों में इंस्टॉल किया जाएगा। इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होने वाली है, यानी इनका तोड़ न तो चीन के पास होगा, न पाकिस्तान के पास में और न ही किसी और देश के पास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कब तक तैयार कर लेनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।